देश के करोड़ों लोगों को तथाकथित निष्पक्ष मीडिया समूह गुमराह करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हाल ही में मोदी विरोधी मीडिया इतना बौखला गया है कि अपनी टीआरपी और जनता के ब्रेनवाश के चक्कर में देश के वित्त मंत्री तक के बयान को बदल कर पेश कर रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए देश के अच्छे आर्थिक संकेतों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री के बयान से जब रवीश कुमार वाली एनडीटीवी को कोई चाशनी वाली खबर नहीं मिली तो उसने अपनी खबर की टीआरपी बढ़ाने के लिए हेडलाइन में ही चाशनी डाल दी। सबसे पहले एनडीटीवी ने वित्त मंत्री के बयान की खबर को अपने वेबसाइट पर डाला, जिसमें लिखा कि निर्मला सीतारमण का कहना है कि मोदी सरकार में हुई नोटबंदी देश की अर्थव्यवस्था के लिए गलत साबित हुई है। इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खबर का खंडन करते हुए एनडीटीवी को लताड़ लगाई। बाद में एनडीटीवी ने बहाना बनाते हुए कहा कि जो पीटीआई ने खबर दी थी उसी के आधार पर उसने भी हूबहू चिपका दी। एनडीटीवी और पीटीआई की खबरों को आधार बनाकर कांग्रेसी समाचार पत्र नवजीवन ने भी हेडलाइन ही नहीं बल्कि पूरी खबर को ही नोटबंदी पर बना दिया। नवजीवन ने पूरी खबर को अपने मन मुताबिक गढ़ दिया। यह ऐसी खबर थी जिसका कोई आधार नहीं था, जिसके कोई सबूत नहीं थे, फिर भी सरकार के खिलाफ एजेंडा खड़ा करने के लिए हेडलाइन खड़ी कर दी गई। जनता के सामने सच लाने वाले पत्रकार और मीडिया संस्थान जब खबरों को जानबूझकर तोड़ते मरोड़ते हैं तो इन दोगले चैनलों और देह व्यापार के कोठों में कोई फर्क नहीं रह जाता है। ये पत्रकार और मीडिया संस्थान देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ विश्वासघात करते हैं, जिसकी कीमत देश की जनता और सरकार को चुकानी पड़ती है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। एनडीटीवी के इस खबर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि इनकी हकीकत लोगों को पता चल सके। और यदि आप हमारे चैनल अपना इंडिया पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।